ओशविट्स की ये दीवारें अगर बोल सकती तो ये चिल्लाती, क्योंकि इन दीवारों ने इंसानियत पर हुई बर्बरता की ऐसी भयानक तस्वीरें देखी हैं जिसकी मिसाल इतिहास में कहीं नहीं मिलती। जो लोग यहाँ जाते हैं वो बताते हैं कि ये जगह किसी भी हॉन्टेड प्लेस से कम डरावनी नहीं है। लोग कहते हैं कि उन्होंने यहाँ जैसे बुरी ताकतों को अनुभव किया। यहाँ के वातावरण में इतनी खामोशी है कि मानो परिंदों की चहचहाहट भी सुनाई नहीं पड़ती। ये नाथसियों द्वारा बनाए गए कंसंट्रेशन कैंप्स हैं। करीब 80 साल पहले इन कैंप्स को तब बनाया गया था जब इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला और इतिहास का सबसे दुर्भाग्यशाली इवेंट होलोकॉस्ट घटित हुआ था। ये होलोकॉस्ट आखिर क्या था, इसके होने के कारण क्या थे और कैसे इसे अंजाम दिया गया, इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाथसी जर्मनी और इसके कोलैबोरेटर्स ने यूरोपियन जूस यानी यहूदियों का जो कत्लेआम किया था उसे ही होलोकॉस्ट कहा जाता है। ये होलोकॉस्ट वर्ड एंशंट ग्रीक से आया है और इसका मतलब होता है सैक्रिफाइस बाय फायर। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले भी बड़ी तादाद में हुई लोगों की हत्या को बयान करने के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 1945 के बाद ये शब्द पूरी तरह यहूदियों के कत्लेआम का सिनोनिम बन गया। 1933 में हिटलर के पावर में आने से लेकर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने तक नाथसियों ने 60 लाख यहूदियों को मार डाला। यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजा जाता था जहां उन पर भयंकर अत्याचार होते थे। अब सवाल उठता है कि होलोकॉस्ट के कारण क्या थे। वेल, इसका सीधा सा कारण तो यही है कि नाथसी यहूदियों को खत्म करना चाहते थे और वो काफी हद तक अपने इस मकसद में कामयाब भी हो गए। लेकिन सवाल ये है कि नाथसी यहूदियों को मारना क्यों चाहते थे और यहूदियों के प्रति हिटलर और नाथसियों की नफरत का कारण क्या था। इसका सबसे बड़ा कारण था रिलीजियस रीजंस, और केवल नाथसी ही नहीं बल्कि इससे पहले भी यूरोप में सैकड़ों सालों से यहूदियों पर अत्याचार होते आए थे धार्मिक कारणों के चलते। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहूदियों को जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाए जाने का जिम्मेदार माना जाता है। अब एक सवाल मन में आता है कि अगर यहूदी लोग अपना धर्म बदल लेते और क्रिश्चियन बन जाते तो क्या वो इस तरह अपनी जान बचा सकते थे। इसका जवाब है नहीं, क्योंकि नाथसी यहूदियों को जर्मन लोगों से सेपरेट रेस मानते थे। वे मानते थे कि जर्मन लोग शुरुआत से ही रेशियली सुपीरियर रहे हैं यहूदियों की तुलना में, इसीलिए वे लोग यहूदियों को जर्मन रेशियल कम्युनिटी के लिए खतरा समझते थे। नाथसियों का यह विश्वास था कि चलो मान लिया कि यहूदी लोग अपना धर्म बदल लेंगे, लेकिन तब भी उनके अंदर रहेगा तो यहूदी खून ही ना। इसीलिए नाथसी मानते थे कि सभी बुराइयों की जड़ ये यहूदी नस्ल ही है। नाथसियों ने जर्मनी की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार का कारण भी यहूदियों को ही माना। सो होलोकॉस्ट के पीछे ये मेन कारण थे। इसके बाद नाथसियों के द्वारा यूरोपियन जूस यानी यहूदियों को मिटाने का सोचा समझा सिस्टमैटिक प्लान बनाया जाता है, जिसे वे कहते हैं फाइनल सॉल्यूशन टू द ज्यूइश क्वेश्चन, यानी यहूदी नामक खतरे से निपटने के लिए अंतिम उपाय। और ये फाइनल सॉल्यूशन आखिरकार जेनेसाइड का रूप ले लेता है। इसके बाद जर्मन ऑक्यूपाइड यूरोप में यहूदियों को उनके घरों से ढूंढ ढूंढ कर और जहां जहां वो छिपे थे वहां से ढूंढ कर उन्हें इकट्ठा किया जाता है और फिर उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया जाता है। ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप कैदियों के लिए नर्क से भी बदतर जगह होती थी। कैंप में पहुंचने पर कैदियों का सब सामान उनसे छीन लिया जाता था। पुरुषों को महिलाओं और बच्चों से अलग कर दिया जाता।
जो लोग शरीर से कमजोर दिखाई पड़ते उनको तो कैंप में पहुंचते ही गैस चैम्बर्स में ले जाकर मार दिया जाता, और जो लोग काम करने के काबिल होते उन्हें पहले गंजा कर दिया जाता। इसके बाद उनके कपड़े उतार दिए जाते और उन्हें फटे हुए कपड़े पहनने को दिए जाते। कैदियों को हर रोज 8 से 10 घंटे लगातार काम करना पड़ता था, और बदले में उन्हें सिर्फ इतना खाने को दिया जाता जिससे कि वो बस जिंदा रह पाए। ना जाने कितने लोग तो भूख और बीमारी की वजह से मर गए। जर्मन ऑक्यूपाइड यूरोप में ऐसे बहुत से कैंप बनाए गए थे। इनमें सबसे बड़ा और भयानक था पोलैंड का ऑशविट्ज कॉन्सेंट्रेशन कैंप। मई 1945 में एलाइड पावर्स ने नाथसी जर्मनी को हराकर आखिरकार इन सब कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स को आजाद करा दिया, और इसके साथ ही होलोकॉस्ट का अंत हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के इन 6 सालों के दौरान नाथसियों ने करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी। इतिहास के पन्नों पर यूं तो कई त्रासदियां दर्ज हैं, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन ऑक्यूपाइड यूरोप में नाथसियों ने जो किया वैसी त्रासदी शायद ही इतिहास ने पहले कभी देखी हो। अगर इसे इतिहास का सबसे काला अध्याय कहा जाए तो कोई अतिरंजना ना होगी। होलोकॉस्ट के सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाने वाले विक्टिम्स में से एक थी एन फ्रैंक। वो महज 15 साल की थी जब नाथसियों के यातना शिविर में उसकी जान चली गई। एन फ्रैंक के ही शब्दों में इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। अपनी डायरी में एन लिखती हैं, जो बीत गया है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम उसे दोबारा होने से रोक सकते हैं।